लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। एक मकान के ऊपर गिरा हाई वोल्टेज विद्युत तार। बता दें, ये मामला फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र संगम नगर का है। फिलहाल मामला संज्ञान में आने पर विद्युत कर्मचारियों ने किया मौका मुआयना और सही करने में जुटे। फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र संगम नगर में बीती देर रात एक मकान के ऊपर हाई वोल्टेज विद्युत तार टूटकर गिर पड़ा। उक्त मकान मालिक के अनुसार बीती देर रात्रि करीब 12:15 बजे धमाके की आवाज हुई, जिस पर सभी जाग गए तो देखा करीब 2,20,000 वोल्टेज की लाइन टूटकर मकान के ऊपर गिर पड़ी। आसपास के मकान वाले भी जाग गए। बताया कि घटना के संज्ञान में आने पर विद्युत विभाग से कर्मचारी भी मौका मुआयना कर गए हैं, सही करने की बात कही है। छत पर तार पड़ा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। फिलहाल बताया गया है कि इस फॉल्ट के बाद आसपास के क्षेत्रों की बिजली गुल हो गई है। फिलहाल विद्युत कर्मचारी उसे सही करने में जुटे हुए हैं। देखिए फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार सर। अरविंद जी, किस तरह से घटना हुई है और कितने बजे की घटना है ये? सर लगभग ये घटना है 12:15 बजे की घटना है। बहुत तेज विस्फोट, ऐसा लगा था जिस तरीके से कोई विस्फोट हुआ है कि अचानक हमने देखा है तो ये दीवार भी टूट चुकी है ऊपर और ये यहाँ पर ये तार टूटा हुआ। कितनी बड़ी लाइन है ये? ये लगभग 33,000 की लाइन है सर। और उससे भी बड़ी है? हाँ, उससे भी बड़ी ही है ये। कितने बजे की घटना है ये? 12:15 बजे की है, 12:15 की घटना। आप लोग कहाँ थे? हम सो रहे थे कमरे में अपने में सर। कैसे पता चला कि जब इसका सर विस्फोट हुआ था तब हमको मालूम पड़ा। आग वगैरह भी लग जल रही थी क्या? हाँ, इसमें आग भी जल रही थी सर। आपने इसकी जानकारी किसी को दी है क्या? जी सर, अभी तो बिजली विभाग वाले आ चुके हैं, वो देख कर जा चुके हैं। अभी काम इसमें चालू होने वाला है सर। आपके बच्चे भी हैं यहाँ पे छत पर घूम रहे हैं? बच्चे भी हैं सर।